अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम आपको अपनी तई अम्मी से मिलाएंगे और हम आपको नीचे वाला सारा वो जो है दिखाएंगे आपको सारा। आज मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे मेरी जेठानी ने आज हमारी चाय की है, तो आइए हम आपको नीचे वाला घर भी दिखाते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं। आइए नीचे चलते हैं। अब हम अपनी तई के पास जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाजी? ठीक है? हाँ जी ठीक हूँ। अस्सलाम आया नीचे? हाँ जी। अच्छा चलो अंदर बैठो, मैं चाय लेके आ रही हूँ। हम नीचे आ गए हैं। ये मेरी जेठानी का घर है। ये कमरा पहले मेरी सास का होता था, वो फिर अल्लाह को प्यारी हो गई तो हम पहले सारे इकट्ठे रहते थे। 18 साल हम इकट्ठे रहे हैं, तो 3 साल हुए मैं ऊपर शिफ्ट हो गई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा वक्त आपस में गुजरा है। हम कभी भी हम दरानी जेठानी नहीं बन के रहे, हम अच्छी बहनों की तरह बन के रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम पास हुआ है हमारा। अब हम ऊपर भी रहते हैं मगर ऐसे लगता है जैसे हमारा एक ही घर है। मेरा ये छोटा बेटा हसान नीचे ही नाश्ता करता है अपने अम्मी अब्बू के साथ। ये ताया ताई को अम्मी अब्बू भी कहता है, ताया ताई भी कहता है, तो उन्होंने ही इसको पाला हुआ है। मेरे सारे बच्चे उन्होंने ही पाले हैं। तो ये नीचे रहता है, ज्यादातर नीचे ही नाश्ता करता है, तो बहुत लाड करते हैं वो, उन्होंने बहुत प्यार से इसको पाला हुआ है। तो आज वो कह रही थी, हम चाय भी तकरीबन इकट्ठी पीते हैं, आज वो कह रही थी आओ आप नीचे आके चाय पियो, क्योंकि उनके हस्बैंड लाहौर गए हुए हैं। तो मैं सारा दिन फिर नीचे ही थी, मैंने कहा बाजी अकेली होंगी, बच्चे शॉप पे चले जाते हैं, तो फिर हम आज सारा दिन हमने नीचे टाइम गुजारा है। फिर अब बाजी ने हमारे लिए चाय बनाई है तो अब हम चाय पियेंगे। जिस तरह हम रहते हैं आपस में, मेरी दुआ है सबके घरों में इसी तरह अल्लाह पाक सुकून दे, खुशियां दे अल्लाह पाक। और दरानी जेठानी कोई ये सिर्फ एक रिश्ते होते हैं, इंसान खुद अपने प्यार से किसी को अपना बनाता है। तो आपसे भी गुजारिश है आप मिलजुल के रहें, जो दरानी जेठानी है बहने बन के रहें, आपस में अच्छा टाइम गुजारें, क्योंकि जब इंसान ने मरना सब कुछ रह जाता है इधर, सिर्फ एक इंसान का प्यार और इखलाक इंसान के साथ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा टाइम पास हुआ है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। तो अब वो चाय बनाने गई हुई है किचन में, जब वो आएंगी चाय लेके फिर इंशाल्लाह हम उनसे बातचीत भी करते हैं। ठीक हो? हाँ जी। हैं? जी। अच्छा आजकल क्या कर रहे हो आप? माशाल्लाह हसान तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत प्यारी सी क्यूट सी मुस्कुराहट वाला बच्चा है, इसको लाइक किया करें। ये देखे कैसे अपना माँ बाप का साथ दे रहा है, आप लोग भी इसका साथ दें तो इसको जरूर लाइक किया करें। आज ये नीचे मैंने इनको बुलाया है चाय के लिए, गर्मी ऊपर बहुत थी, मैंने कहा नीचे आए चाय पिए। हाँ जी हम अक्सर इकट्ठे ही शाम की चाय पीते हैं, इकट्ठे ही पीते हैं, तो आज हम कुछ ज्यादा स्पेशल गेस्ट थे जी। हम चाय पीएंगे फिर आपको दिखाएंगे। हाँ जी ले, हसान खोले, ये ले, खोले ना, ये भी ले। और भाईजान ने कब आना बाजी? वो लोग गए हुए हैं, अभी फोन करेंगे पहुंच के। अच्छा तो फिर बताएंगे कि कब आना है उन्होंने। अच्छा अच्छा और बच्चे सब ठीक ठाक हैं? सब ठीक है। ले अच्छा अच्छा चलो ये ले, आप भी लेना, आप भी ले। आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब भी किया करें, कमेंट्स जरूर दिया करें। आपकी कमेंट से मेरी हौसला अफजाई भी होती है और मेरे बच्चे की भी हौसला अफजाई होती है। छोटा सा बच्चा है, वीडियो बनाता है, इसको शौक है, शान को बहुत शौक है ये टिकटॉक बनाने का। ये जब छोटा होता था तब से ये बनाना शुरू हो गया था टिकटॉक वगैरह, लेकिन अब ये मुझे भी अपने साथ रखता है कि नहीं मम्मा आप भी आए। बच्चे की हौसला अफजाई हो जाती है माँ बाप के साथ आने से। आपकी मेहरबानी, आप प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और बताया करें, अगर कोई हमारी मिस्टेक्स हैं तो वो भी बताया करें, ताकि हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए पता चले अपनी गलतियों का।
चलिए वो हम आपको दिखाते हैं कम नीचे वाला ड्राइवर। ठीक है, ये इन्होंने न्यू फ्रीजर लिया, ये न्यू ही अभी ये देख सकते हैं। और ये देखें, ये टेबल है, ये कूलर है, और ये चेयर है। ये मेरी दादा का कमरा था, अब ये मेरी मम्मी ने ले लिया। और ये देखें, ये मेरी है, ये मेरी कजिन की ट्रॉफी है जिसको स्कूल में मिली थी। बाकी ये अभी देखते हैं, ये सोफे हैं, ये आपने देख लिया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट रूम, ये देखिए हम नेक्स्ट रूम में आ गए हैं। ये यहाँ पर सोफा है और यहाँ पर भी हुई चेयर्स पड़ी हुई हैं। ये बाजी का कमरा है, इधर बाजी रहती हैं, यानी सोना वगैरह, कोई गेस्ट आ जाए तो ये गेस्ट रूम की तरह बनाया हुआ है। आ जाए, मैं आपको किचन दिखाती हूँ। अब हम किचन की तरफ चलते हैं, किचन की तरफ चलते हैं, फिर वो आपको दिखाते हैं। अब हम किचन की तरफ आ गए हैं, ये आप देख लें, ये इसके अंदर ये चावल डालते हैं। और ये देखें, ये पूरा किचन है, तो बड़ा नहीं है बस, सही है। ये देखिए ओवन है, ये उसका पूरा ये बॉक्स बनवाया हुआ है। ये देखिए ओवन है अंदर, हम आपको अब नेक्स्ट जो है लास्ट रूम वो हम आपको दिखाते हैं। वहां पर हम रहे थे, वहीं पे ही मैं पैदा हुआ था। देखिए वो रूम है जिसमें हम 18 साल रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ पे जाती है, और ये मैट्रेस बिछा हुआ है पूरी, ये एसी भी लगा हुआ है इधर। और ये इस रूम में मैं 18 साल रह के गई हूँ। ये पहले हमारा रूम होता था, बाजी वगैरह यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। ये बेडरूम बाजी का है और बहुत अच्छा हमने इस रूम में अपनी जिंदगी गुजारी है। बहुत यादें वाबस्त हैं इस रूम से, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खुला डुला साफ सुथरा सा है। ये अब हमने आपको दिखा दिया है, इस नीचे के 3 कमरे हैं, 2 वॉशरूम है। और अब ये आपको हसान सेहन दिखाएगा, गिराज दिखाएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं चाय पीने जा रही हूँ। अब बाकी आपको हसान दिखाएगा। जज़ाकअल्लाह, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक शेयर भी जरूर करें प्लीज, और कमेंट्स प्लीज जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज। अब बाकी हसान दिखाता आप। ये देखिए मेरे काफ बुलाए थे, ये छोटी सी मेरी अच्छी बात है, पानी वाली छोटी बोतल आप लगा सकते हैं। और ये वो है विंडो ए सी है खड़ी है। और ये फ्रीजर है, और ये पूरा गिराज है, ये सेन वाला, ये सेन है पूरा गिराज, मैं आपको दिखाता हूँ सेन है। ये देख सकते हैं आप, जैसे लाइट लगी हुई है। अब हम आपको गिराज दिखाते हैं अपना, जहाँ पर हमारी मोटर बाइक वगैरह खड़ी होती है। ये देखिए पूरा गिराज है, ये देखिए हमारी गली जा रही है, यहाँ पर सारे गोदाम ही गोदाम है। और ये देखिए हमारा एक कूलर है, जिस मैंने आपको अंदर से दिखाया था ना, ये वो है, बस थोड़ा सा मेरा बाकी है इसका बाहर से। चलिए ठीक है, फिर जितना हमें हो सका हमने आपको अपनी ताई अम्मी से भी जो उन्होंने हमारे लिए किया, मैं उनके लिए थैंक्स करता हूँ। और हमने आपको 3 रूम दिखाए हैं, बाथरूम किचन भी, हमने जितना भी नीचे वाला घर था हमने आपको सारा दिखा दिया। ठीक है, फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे हम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए।